Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment. It is about जीनो ट्रांसप्लान एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेलेबस पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो डायरेक्टली आपसे इससे सवाल पूछा नहीं जाएगा बट एथिक्स में आप इसका एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़रा देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं सबसे पहले कॉन्टेक्ट समझते हैं आपने भी ये न्यूज ज़रूर सुन रखा होगा कि न्यूयॉर्क में हाल फिलहाल में वहाँ के सर्जन्स ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जहाँ पे उन्होंने एक पिग से एक जेनेटिकली ऑल्टर्ड पिग से उसके किडनी को निकाल करके एक ह्यूमन पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया अब वो बात अलग है कि द ह्यूमन पेशेंट जिस पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ दैट वॉज दैट पेशेंट वॉज ऑलरेडी ब्रेन डेड बॉडी अभी उसकी ज़िंदा थी बट ब्रेन डेड था वो इंसान और इस कारण से ये सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बावजूद भी वो इंसान ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह नहीं पाया बट इसके बावजूद भी ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो आई होप यू आर गेटिंग द सिनारीो जिस बॉडी पे जिस इंसान पे टेस्ट हो रहा था वो इंसान ब्रेन डेड था बट फिर भी पिग का किडनी निकाल करके सर्जन्स ने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे उसके बॉडी में पिग की किडनी लगाई और एक्सपेरिमेंटली इस टेस्ट को सक्सेसफुली रन किया इन्होंने 54 फोर आवर्स के लिए ये किडनी अच्छे से फंक्शन किया यानी कि पिग की किडनी इंसान के शरीर में अच्छे से काम करी द किडनी फंक्सन ऑप्टिमली एंड दिस इज़ नोन एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज एनी प्रोसेस वेयर ऑर्गन्स फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स इज ट्रांसप्लांटेड इन टू ह्यूमन मेनली ऑफकोर्स मैमल्स से ही वो दूसरे इंसानों में वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है तो नॉन ह्यूमन मैमल्स के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं इंसानों में और इस प्रोसेस को कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन उसमें भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ द पिक्स Who are the promising source for transplantation because of their organs closely match with the size and shape of humans. इसके अलावा किसी और जानवर का इंसान में उसके ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है लेकिन पिक्स के चूंकि जो ऑर्गन्स के साइज़ होते हैं मेड बी किडनी हार्ट, लीवर या लंग्स सिंस द साइज आर ऑफ सिमिलर टाइप एज इट इज ऑफ ह्यूमंस. दैट्स वाई द ऑर्गन्स ऑफ पिग कुड भी ट्रांसप्लांटेड इन टू ह्यूमन्स जीनो ट्रांसप्लांटेशन कुड भी डन फ्राम द ऑर्गन ऑफ पिग टू ह्यूमन्स अब इस आर्टिकल में फिर यह भी बताया गया है कि ये आ, एक्सपेरिमेंट न्यूयॉर्क में सर्जन्स ने आज किया है लेकिन कई साल पहले हमारे स्टेट में ऑलरेडी इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल तरीके से कर चुके हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर धनी राम बरुआ जी ही सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड ए पिक्स हर्ट इन टू वे बैक इन नाइनटीन तो नाइनटीन में ही आज से लगभग 24 साल पहले ही इन्होंने एक पिग के हर्ट को ट्रांसप्लांट किया था इनटू ह्यूमन वो बात अलग है कि वो इंसान भी ज़्यादा समय तक जी नहीं पाया एंड लेटर ऑन दैट पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन लेकिन ये हर्ट इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से ट्रांसप्लांट कर जरूर दिया था इस हर्ट के बाद भी वो इंसान कुछ समय तक ज़िंदा जरूर रहा था विथ हेल्प ऑफ दैट पिग्स हर्ट अब इस आर्टिकल का कैसे इस्तेमाल करेंगे एथिक्स पेपर में वो ज़रा समझते हैं तो अभी तक तो आपने देखा कि पिग्स के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया गया किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया ह्यूमन के अंदर न्यूयॉर्क में जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है और हमारे यहाँ पे यह काम चौदह चौबीस साल पहले ट्वेंटी फोर ईयर्स अगो ये काम ऑलरेडी किया जा चुका है बाय डॉक्टर धनीराम बरुआ इन असिस्टेंस विथ डॉक्टर फ्रॉम हॉन्ग तो दो लोगों ने मिल के ये काम किया था अब जरा देखते हैं देखिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल आपने जरूर पढ़ रखा होगा एथिक्स में यूटिलिटेरियनिज्म कहता है दैट एनी एक्शन इज़ राइट और एथिकल इफ़ इट बेनिफिट्स मेजॉरिटी ऑफ पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर फ़ायदा होता है यूटिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर कोई काम करने से खुशी मिलती है तो वो काम एथिकल होता है आई होप यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म तो यूटिलिटेरिज्म एक फ़िलोसफी है जो हमें बताती है कि कौन सा एक्शन एथिकल है या नहीं है तो ये यूटिलिटेरियज़म फिलासफी कहती है कि जिस एक्शन से लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस आए वो एक्शन एथिकल है दिस यूटिलिटेरियनिज़म प्रिंसिपल कुड बी एक्सप्लेन सिंपली विथ हेल्प ऑफ दिस लाइन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में हैप्पीनेस जिस एक्शन से आए उसको हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल कहते हैं इसमें और भी ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं आपने जरूर पढ़ रखा होगा दे बिलीव दैट ऑल काइंडस ऑफ हैप्पीनेस या ऑल काइंड ऑफ प्लेजर एंड पेन आर सेम दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक दे ऑनली वेरी इन क्वान्टिटी सो क्वालिटेटिवली अलाइक क्वान्टिटेटिवली डिफरेंट बट वो सब चीज़ों के डेप्थ में नहीं जाते मुद्दा ये है कि जिस काम से आम जनता की भलाई हो आम जनता को हैप्पीनेस मिले वो काम एथिकल है यूटिलिटेजम प्रिंसिपल को सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देने वाले थिंकर थे जेरेमी बेंथम और बाद में जे एस मिल उसको फॉरवर्ड लेकर के गए जे एस मिल जो डिसाइपल uh, थे या स्टूडेंट थे जेरेमी बेंथम के बट जेरेमी बेंथम इज नोन टू बी अ क्रूड यूटिलिटेरियनिज्म जबकि जे एस मिल इज़ नोन एज रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म आई होप इनके थ्योरी के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होगा आपने थिक्स में जरूर पढ़ रखा होगा अब जेरेमी बेंथम इतने ज़्यादा यूटिलिटेरियन थे जेरेमी बेंथम सी द लेवल ऑफ जेमी बेंथम कि यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर वो चीज़ जो हमारे आसपास में है वो अगर इंसान की लाइफ को बेहतर बना सकती है इंसान को खुशी दे सकती है तो उस चीज़ का पर्पस है हर वो एक्शन जो इंसान की लाइफ बेहतर बना सकती है हैप्पीनेस दे सकती है तो वो काम एथिकल है अदरवाइज़ नहीं है नाउ यू सी हिज लेवल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जेरेमी बेंथन साहब की डेथ हुई 1832 में जब उनकी डेथ होने वाली थी बिल्कुल लास्ट फेज में अपने लाइफ के उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी को भी तुम तो आप लोग क्रीमेट मत करना उसको दफनाना मत बरी मत करना आप लोग मेरी बॉडी को भी प्रिजर्व करके रखना ताकि मेरी बॉडी का बेस्ट से बेस्ट इस, इस्तेमाल किया जा सके अगर कुछ नहीं तो मेरी बॉडी का को देख करके ही लोगों को मेरी फिलॉसफी याद आए तो इसी बहाने मेरी फिलॉसफी प्रोपाउंड होगी और मेरी बॉडी का कुछ इस्तेमाल होगा तो अपने आसपास की तमाम चीज़ों का तो इस्तेमाल उन्होंने बताया ही इन यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल मरतने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी का भी इस्तेमाल होना चाहिए इसको दफना देने से क्या फ़ायदा जला देने से क्या फ़ायदा और इसके बाद तो ये आपको दिखेगा हाइट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन बेंथम और इस तरीके से फिर बेंथम साहब की बॉडी आज तक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन में इस तरीके से प्रिजर्व करके रखी हुई है लगभग 200 साल हो गए हैं इसके वो बात अलग है कि ये जो हेड आप देख रहे हैं सर देख रहे हैं ये वैक्स का है क्योंकि रियल जो हेड है वो काफ़ी तो डी हो चुका है तो उसको सेपरेट करके यहाँ नीचे ऐसे रखा हुआ है बाकी ये बॉडी ओरिजिनल है लेकिन सर जो है वो नीचे यहाँ ऐसे रखा हुआ है सीवर्ड करके और यहाँ जो हेड दिखाया गया है वो वैक्स का है मुद्दा ये है कि यूटिलिटेरियनिज़्म जो भी चीज़ हमारे आसपास में है जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इंसान के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके उतना किया जाना चाहिए दैट इज़ एथिक्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ कोर्स इस एथिक्स के भी इस अप्रोच के भी अपने कुछ नेगेटिव्स हैं लेकिन ये अप्रोच जो है काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल है किसी को मतलब कोई भी चीज़ हमारे आसपास में उसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल करें ताकि लोगों के जीवन में बेहतर खुशहाली आए सो दिस फिलोसफी कुड बी कंसिडर्ड एज अमनिस्ट फिलोसफी दिस फिलोसफी कुड बी कंसिडर्ड एज़ प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न फिलासफी कि भाई हर एक्शन के लिए इंसान का कोर कंसर्न हम सेंटर पर रखते हैं कोई और चीज़ नहीं सोसाइटी मोरालिटी, कल्चर रिलीजन एवरी थिंग इज सेकेंडरी ह्यूमन कंसर्न ह्यूमन इंटरेस्ट इज़ प्राइमरी और अगर अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन को देखें पिग्स पिग्स के बॉडी से ऑर्गन्स निकाल करके अगर इंसान के लिए उसमें उसको ट्रांसप्लांट uh, uh, किया जा सकता है तो दिस थ्योरी और दिस टेक्नोलॉजी विल बी कम्प्लीटली जस्टिफाइड कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द यूटिलटेरियन फिलोसफी यूटिलिटेरियन फिलोसफी कहेगी कि ये टेक्नोलॉजी अगर हमने डेवलप किया है तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल होना चाहिए क्यों क्योंकि इंसान के जीवन को यह बेहतर बनाता है वो इंसान जिसकी किडनी ख़राब हो चुकी है वो इंसान जिसका हर्ट खराब हो चुका है डोंट यू थिंक कि पिग के किडनी या हर्ट से अगर उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो उसको दिया जाना चाहिए यूटिलिटेरियन फिलोसफी यूटिलाइज एज मच एज पॉसिबल द थिंग्स अराउंड अस ऑफकोर्स इसका निगेटिव हो सकता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इसका एक निगेटिव आस्पेक्ट हो सकता है कि वहाँ हमारे आसपास में है तो इसको जितना हो सके उतना हम एक्सप्ल करते हैं तो हो सकते हैं उन को अगर पहचान करके हम यूटिलिटेरियन फिलोसफी को ठीक से इंप्लीमेंट करें सही स्पिरिट में करें तो यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थ्योरी है काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच है जो इंसान की लाइफ को सिर्फ बेहतर बनाने के डायरेक्शन में सोचता है लेकिन अब जरा देखते हैं क्रक्स की बात देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया देखिए सोसाइटी का क्या रोल है किसी भी फिलोसफी को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में देखिए ये यूटिलिटेरियन फिलोसफी जो इंसान के जीवन को बेहतर बना सकती है इसको कितना अपलॉज किया जा रहा है यू में कि डॉक्टर्स ने वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया दीज डॉक्टर्स दीज हु हैव कंडक्टेड दिस ऑपरेशन ट्रांसप्लांटेशन जीरो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी फ्रॉम अ पिग टू ह्यूमंस उन सब को उन सब डॉक्टर्स को कितनी अपलोज मिल रही है कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे आसाम में क्या हुआ उन सर्जन्स के साथ जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो पिग्स के हर्ट को इंसान में जिन्होंने जीनो ट्रांसप्लानटेशन किया था इन सर्जन्स को टारगेट किया गया इन सर्जन्स को स्टीरियो किया गया लेटर देवर इम्प्रीजेंड ऑल्सो डॉक्टर धनी राम बरुआ को पिग डॉक्टर नाम से बुलाया जाता था पूरी सोसाइटी जो है उनको एक डिग्रेडेड तरीके से देखती थी कि देखो इस इंसान ने क्या किया एक इंसान के शरीर में पिग का हर्ट लगा दिया इसने पूरी इंसानियत को गिरा दिया जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर किसी इंसान दूसरे इंसान की जीवन बचाई जाए तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल और दैट शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी और वही किया डॉक्टर धनी राम बरुआ ने लेकिन उस टाइम में ही वॉज लेबल्ड ही वॉज कॉल्ड अ पिग डॉक्टर बाद में उस टाइम की आसाम सरकार ने उन पर इंक्वायरी भी बैठा दी उनके इस एक्सपेरिमेंट को उनके इस सर्जिकल जीनो ट्रांसप्लांटेशन को अनएथिकल बताया गया और इस कारण से वो और उनके जो एसोसिएट थे हॉन्गकॉन्ग से दोनों को चालीस दिन के लिए जेल भी भेजा गया तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इससे यूटिलिटेरियन फिलोसफी ऑफ़ कोर्स उसके कुछ निगेटिव हो सकते हैं जैसे आप अप, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी यूटिलिटी के नज़रों से देखें तो डिग्रेडेशन हो सकता है लेकिन अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यूटिलिटेरियन फिलोसफी इज फोकसिंग ओनली ऑन ओवरऑल ह्यूमन हैप्पीनेस वट एवर इज अराउंड अस दैट शुड बी यूटिलाइज इन बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट फॉर ह्यूमन हैप्पीस और ये यूटिलिटेरियन फिलॉसफी एक प्रोग्रेसिव फिलॉसफी है ह्यूमेनिस्ट फिलॉसफी है लेकिन ये यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को समझने के लिए और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए सोसाइटी का भी मैच्योर होना जरूरी है यू सी काइंड ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्स गिवेन बाई द न्यूयॉर्क सोसाइटी और पीपल इन यू एस एंड रेस्पॉन्स गिवन बाई वी हमने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया 1997 में धनी राम बरुआ के के अगेंस्ट अगर उस टाइम में हमने इस इस अप्रोच को समझा होता कि ये अप्रोच है ये एक यूटिलिटेरियन फिलोसफी द्वारा जस्टिफाइबल अप्रोच है जहाँ पे जो भी चीज़ हमारे आसपास में है वो इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए अगर हम इस चीज़ को समझा होता हमने उसको अगर बढ़ावा दिया होता रैन डिस्करेजिंग तो आज हमारे यहाँ पर यह साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफ जीनो ट्रांसप्लानटेशन फ्रॉम पिग टू एनिमल काफी डेवलप हो चुकी होती आज हमें यूरोप की तरफ और यूएस की तरफ नहीं देखना होता फॉर दिस टेक्नोलॉजी तो इस तरह के आइडियाज़ को सप्रेस करना प्रोग्रेसिव ह्यूमनिस्ट आइडिया को सप्रेस करना जो हमारी सोसाइटी में होता रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द नेम ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑल दैट इससे कैसा होता है कि हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट मर जाते हैं सप्रेसिंग सच प्रोग्रेसिव ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ विल किल साइंटिफिक टेम्परामेंट इन आज पूरी दुनिया जो है इन न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट की बात कर रही है जबकि ये कारनामा हमने बहुत पहले कर दिया था आज हम हम इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा और डेवलप होते अगर हमने एक बात समझी होती यूटिलिटेरियन अप्रोच से यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी से अगर इंसान का भला होता है जान बचती है जीवन मिलता है तो वो टेक्नोलॉजी एथिकल है कोई और चीज़ की शुअर पिग का हर्ट लगाया कुछ भी लगाया दैट इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंट इज़ ह्यूमन हैप्पीनेस द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज़ अबाउट काटसा लॉ ऑन एस फोर हंड्रेड ट्राइव मिसाइल ये आर्टिकल पहले भी हम कव कर चुके हैं बट यह हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एस फोर हंड्रेड ट्राइव मिसाइल से अब डिलीवरी होने वाली है तो लेटस सी वट न्यू डेवलपमेंट्स हैपन इन दिस पटिकुलर फील्ड दिस इंपॉर्ट दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है एस फोर हंड्रेड ट्राइंक मिसाइल पहले वो भी ज़रा समझते हैं दे आर सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आप सरफेस से इस तरीके से ट्रक पे इसको लोड करके आप लॉन्च कर सकते हैं सरफेस टू एयर और ये क्या काम करेगी ये एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगी मतलब बाहर से अगर कोई मान लीजिए एनिमी एरियल व्हीकल आ रहा हो हमारे तरफ कोई मिसाइल आ रहा हो कोई फाइटर जेट आ रहा हो तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है ये सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है एस फोर हंड्रेड ट्रायूफ मिसाइल तो इसलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगा इट इज कंसिडर टू बी द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयल मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन द वर्ल्ड यूएस इट इज कंसिडर टू बी मच अहेड ऑफ यूएस एस थर्ड मिसाइल तो थर्ड मिसाइल भी इसी तरीके का है लेकिन उससे भी बेहतर यूएस का थर्ड मिसाइल इसी तरीके का है सरफेस टू तो एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का लेकिन उससे भी बेहतर ये माना जाता है एस फोर हंड्रेड मिसाइल इसको डेवलप करने वाली कंट्री है रसिया और इसको इंडिया खरीद रहा है प्रोक्योर कर रहा है फ्रॉम रसिया तो आजय सेट कि इट इज़ वेरी डेवलप्ड वेरी सोफिस्टिकेटेड सो इट कैन इंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेटेस इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट अनमैंड एयर वहीकल्स बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल अप टू रेंज ऑफ फोर हंड्रेड किलोमीटर एंड हाइट अप टू थर्टी किलोमीटर तो चार सौ किलोमीटर की दूरी और तीस किलोमीटर की हाइट तक के किसी भी व्हीकल को यह टारगेट कर सकता है दिस सिस्टम कैन ट्रैक अबाउट हंड्रेड एयर बॉन्ड टारगेट्स एंड इंगेज सिक्स ऑफ देम साइमल्ट एक बार में छ छः टारगेट्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है इंडिया को ये एयर डिफेंस सिस्टम क्यों चाहिए तो कारण काफ़ी सरल है वी हैव टू हॉस्टाइल कंट्रीज एट आवर बॉर्डर एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान एंड बोथ कंट्री कीप ऑन थ्रेटनिंग इन वन वे और अदर रिगार्डिंग न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया बोथ पाकिस्तान एंड चाइना हैव मोर न्यूक्लियर स्टॉक पायल दैन इंडिया इंडिया के पास अगर 150 न्यूक्लियर स्टॉक पायल है तो पाकिस्तान के पास 160 है चाइना के पास 200 है तो दोनों के पास न्यूक्लियर स्टॉक पायल ज़्यादा है दोनों इंडिया को थ्रेटेन करते रहते हैं हॉस्टाइल रिलेशन मेन्टेन करते हैं तो वैसे हालात में इंडिया को अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि रसिया की ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है एस फोर हंड्रेड ट्राइफ मिसाइल उसको इंडिया प्रोक्योर कर रहा है इंडिया हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फाइव फोर हंड्रेड ट्राइफ मिसाइल ऑन रसिया में ही यह डील साइन हो चुकी थी इन फाइव बिलियन डॉलर्स तो दो हजार पांच एस फोर हंड्रेड ट्राइफ मिसाइल्स के ऑर्डर्स दे दिए थे रशिया को इन फाइव बिलियन डॉलर्स अब जरा समझते हैं काटसा लॉ जो इस डील इस को इंप्लीमेंट होने से रोक सकता है तो काट्सा लॉ काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये अमेरिका का कानून है अमेरिका ने ये कानून लाया और इस कानून के हिसाब से कोई भी देश अगर ख़ासकर मिलिट्री ट्रेड करता है ईरान के साथ रसिया के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ तो उसके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा यूएस इन तीनों देशों के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है खासकर रसिया के साथ मिलिट्री ट्रेड नहीं करना है और बाकी दोनों देश ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ आपको किसी भी तरीके के ट्रेड नहीं करने अदरवाइज यू विल फेस सेंक्शंस फ्रॉम यूएस और यूएस के साथ सेंक्शंस होने का मतलब है कि ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो नॉर्थ कोरिया और ईरान पर सेंसन्स इसलिए लगाए गए हैं अंडर काटसा लॉ बाय यूएस क्योंकि नॉर्थ कोरिया और ईरान पे एलिगेशन हैं कि ये दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं सरप चोरी छुपे जबकि रसिया पे रसिया पे एलिगेशन ये है रशिया ने यूक्रेन में इंटरवेंशन किया था 2014 में जब आप उन्होंने एक एक वहाँ का आइलैंड अक्वायर कर लिया था फ़ोर्सफुली फ्रॉम यूक्रेन उसके अलावा रसिया पे एलिगेशनस ये हैं कि उसने 2016 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरफेरेंस किया है इलीगल तरीके से और डोनाल्ड ट्रंप के जिताने में रसिया ने कुछ रोल प्ले किया है तो इन सब कारणों से रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाया है यूएस ने अंडर दिस काट्सा लॉ अब इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो, हो सकता है समझिए इंडिया तो ऑलरेडी ये डील प्लेस कर चुका है ऑफ एस फोर हंड्रेड ट्राइव मिसाइल्स पाँच एस फोर हंड्रेड ड्राइव मिसाइल्स के पाँच बिलियन डॉलर की डील हो चुकी है वे बैक इन टू थाउजेंड एटीन अब अगर ये डील इम्प्लीमेंट होती है और इंडिया सच में ये ट्राइव मिसाइल लेता है तो हो सकता है कि काटसा लॉक के अंतर्गत यूएस हमारे ऊपर भी ट्रेड सैंक्शंस लगाए अभी तक तो ये बस बातें चल रही थी लेकिन अब वो मोमेंट आ चुका है जब अब देखना होगा कि सच में यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है या नहीं क्योंकि आने वाले एक महीने में अब एस फोर हंड्रेड ट्राइंक मिसाइल्स की डिलीवरी करना शुरू कर देगा रसिया टू इंडिया और अब ये देखना होगा कि क्या सच में यूएस हमारे ऊपर सैक्शंस लगाता है या नहीं क्योंकि अदरवाइज यूएस एस कंसिडर अस एज अ इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर कई सारे ट्रेड और डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं जैसे बेका सिस्मोआ लेमोआ वी ए यू इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट या मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यू इन ऑर्डर टू तो काउंटर चाइना तो देखना होगा कि क्या एस फोर हंड्रेड ट्राइफ मिसाइल को खरीदने के बाद सच में यूएस हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाता है या नहीं अंडर काटसा लॉ अब जरा करंट न्यूज देखते हैं जिस कारण से आर्टिकल पब्लिश हुआ था अभी भी ये आर्टिकल ये इशू खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड जब अब पहली डिलीवरी आएगी एस फॉर हंड्रेड ट्राइव मिसाइल की फिर जो यूएस का रेस्पॉन्स होगा उसको लेकर के इस आर्टिकल्स में और कवर करूँगा लेकिन अभी न्यूज़ ये है कि यू के जो दो इम्पॉर्टेंट सेनेटर्स हैं आपको पता है कि यू में दो बॉडीज़ हैं लेजिस्टिव बॉडी सेनेट एंड एंड हाउस ऑफ पीपल तो सीनेट सीनेटर जो हाई हाइएस्ट बॉडी है हाउस वो सीनेटर्स दो इंपॉर्टेंट सीनेटर्स देखिए जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है वहां पे सीनेटर्स हैं तो सीनेटर्स जो हैं वो उनकी रेस्पेक्ट ज्यादा होती है वहां पे बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी मोर सीनियर आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो दो इम्पॉर्टेंट सेनेटर्स मार्क वॉर्नर और जॉन कॉर्निन इन दोनों ने ही वो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को कहा है कि आप इंडिया पे कोई भी सैक्शन मत लगाइए इवन इफ इंडिया गोज़ फॉरवर्ड विथ इट्स एस फोर हंड्रेड मिसाइल डील विथ रसिया क्योंकि इंडिया एक आपका इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट अलाइन ऑर्डर टू काउंटर अग्रेसिव राइज ऑफ चाइना इस टॉपिक के बेसिस पर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट मुला पेरियर डैम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्राम आर सिलेबस पेपर थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट टॉपिक तो इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते देखिए मुला पेरियर डैम वैसे तो यह है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में यहाँ पे है कहीं पे मुला पेरियार डैम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इट इज ऑन द जंक्शन ऑफ मुल्लार एंड पेरियार रिवर तो यहाँ से ऐसे ये पेरी मुल्लार रिवर और ये पेरियार रिवर इसके जंक्शन पे है मुल्ला पेरियार डैम